दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। बात करें इस वीडियो की तो ये वीडियो है आपका द हिंदू वोकैबलरी के ऊपर। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं बहुत समय से आप सभी लोगों से कहता रहता हूँ कि द हिंदू वोकैबलरी करना है, द हिंदू वोकैबलरी पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, और आप सभी का सवाल एक ही रहता है कि पढ़ें कैसे सर, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, हम पढ़ें कैसे क्योंकि हमसे हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है कि हम द हिंदू पढ़ सकें। तो फिलहाल हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि पढ़ना कैसे है। सो बिफोर दैट देर इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मैंने SSC CGL 2016 क्लियर किया है। मैंने SSC CHSL 2015 भी क्लियर किया है। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पे मेरे पेज का जो यूज़र नेम है वो है @ आप सर्च करिएगा त्रिवेदी अमन 25, तो आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो कि है अमन त्रिवेदी। आप सिर्फ टेलीग्राम पर आपको जाना है, @अमन त्रिवेदी सर्च करना है, आपको मेरी चैनल मिल जाएगा और उसके बाद वहाँ से सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी प्लस के बारे में। तो देखिए क्या है अनअकैडमी प्लस। देखिए अनअकैडमी प्लस एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, प्लस पे क्लिक करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शन आते हैं, मंथली लेना है, 3 मंथ लेना है, 6 मंथ लेना है या 12 मंथ लेना है। तो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा है 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो कि 5,000 रुपये का है। लेकिन ये 5,000 में आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इससे भी कम में। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है अमन त्रिवेदी। जैसे ही आप ये यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो जाएगी 4,500। लेकिन आपके पास कुछ क्रेडिट्स भी होते हैं, जैसे ये मेरे पास यहाँ पर 200 क्रेडिट्स हैं, तो 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो टोटल आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। और ये जो कॉस्ट है ये 5,000 से कम होकर, जैसे मुझे 4,320 में मिल रहा है क्योंकि मेरे क्रेडिट कम है। आपके पास क्रेडिट ज़्यादा होंगे तो ये कॉस्ट आपको 4,000 रुपये तक में मिल सकता है। 4,000 रुपये में आपको मिलेगा क्या? देखिए जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, जितने भी कोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं, सारे ही टीचर्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी के। ठीक है, मेरे 2 कोर्सेज अभी चल रहे हैं। एक है कंप्लीट कोर्स ऑन वर्बल एबिलिटी, जिसमें हम वर्बल यानी कि पैराजंबल, RC, क्लोज टेस्ट और वोकैबलरी हम डिस्कस करते हैं। दूसरा कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश, इसमें हम ग्रामर और आपका प्रैक्टिस सेशन हम इसमें करते हैं। तो आप इन दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सिर्फ एक बार। और अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो एक अल्टीमेट क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है, आप इससे भी एनरोल कर सकते हैं। इन सभी को देखने के लिए आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात। अब बात करें द हिंदू की, कि कैसे पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है न्यूज़पेपर में, क्या हम करें कि हमारे जो हमें अंग्रेजी थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, और न्यूज़पेपर हमारी किस तरीके से हमें मदद कर सकता है, इन सभी चीज़ों की बात हम यहाँ पर फिलहाल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बात है, सबसे पहले द हिंदू हमने उठाया, सबसे पहला मैंने न्यूज़ देखा, यहाँ पर क्या लिखा है, NCRB सेंटर डिफर, NCRB और सेंटर जो हैं वो डिफर कर रहे हैं। एक सेकेंड, मुझे पेन चूज कर लेने दीजिए। हाँ, तो डिफर ऑन वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल मर्डर्स, तो यानी कि डिफर कर रहे हैं। डिफर करने का मतलब क्या होता है? डिफर करने का मतलब दोनों के विचार अलग अलग हैं, वैचारिक मतभेद हैं, तो विचार अलग अलग हैं, इस सेंस में आ गया डिफर। आगे आते हैं, दूसरी न्यूज़ पढ़ी, CBI फाइल्स केस अगेंस्ट लॉयर्स कलेक्टिव इट्स प्रेसिडेंट आनंद ग्रोवर, तो यानी कि उन्होंने केस फाइल किया है। तो एक यहाँ से हम क्या सीखेंगे कि मान लीजिए क्लोज टेस्ट में हमें कहीं से मिलता है, तो अगर कहीं केस की बात है तो वो क्या किया जाएगा, फाइल किया जाएगा। आगे बात करें, अगला देखो हमारा क्या है, कि मॉर्गन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज इंग्लैंड क्रशेज अफगानिस्तान। तो देखिए ये जो लैंग्वेज है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यहां से आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे यहां कह रहा है क्रशेज, अब क्रश का मतलब आपने क्या पढ़ा था, क्रश का मतलब आपने पढ़ा था किसी को क्रश कर देना, जैसे कि गाड़ी के द्वारा दबा देना, पिच्ची कर देना कहते ना उसको, बोलते क्रश कर देना। आपने पानी की बॉटल पिया है तो पानी की बॉटल पे क्या लिखा रहता है, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज, तो क्रश करने का मतलब उसको खराब कर देना, एकदम से गुड़ी मुड़ी करके उसको फेंक देना होता है। लेकिन कल जो मॉर्गन ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, इससे हमें ये मैसेज जाता है कि उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से चारों खाने चित कर दिया मैच में, और बिल्कुल भी कहीं पर भी उन्हें लीड नहीं लेने दी। लीड फ्रॉम द एंड फ्रंट का मतलब होता है, जैसे कि आई विल से दैट यू नीड टू लीड फ्रॉम द एंड फ्रंट एंड, मतलब तुमको एकदम आगे से लीड करना है, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात आई थिंक समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया तो हम इस तरीके की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा,
कि आप इस तरीके का सेशन रोज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. वी विल नॉट कॉल इट द हिंदू वोकैबलरी, वी विल कॉल इट वोकैबलरी एनालिसिस. ठीक है, सो दिस इज वोकैबलरी एनालिसिस, दिस नॉट वोकैबलरी. मैं एक आपको वर्ड्स नहीं दे रहा हूं, हम यहां पर वोकैबलरी को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, सो वी विल कॉल इट वोकैबलरी एनालिसिस. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको चाहिए है तो ही हम आगे मेहनत करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो फिर हम मेहनत किसके लिए करेंगे, है कि नहीं. चलिए, अगली जो हेडिंग है कहता है कोटा एमपी ऑन ओम बिरला नेम्ड एज एनडीए चॉइस फॉर स्पीकर पोस्ट. तो कोटा एमपी जो है इनको स्पीकर की पोस्ट के लिए चॉइस किया गया है. अब देखो दूसरी लाइन यहां लिखी है, ही विल अज्यूम ऑफिस टुडे आफ्टर बीइंग इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर्स. तो इलेक्टेड तो ठीक है, आपने यहां से क्या वर्ड सीखा, अज्यूम सीखा. अज्यूम का मतलब आप अभी तक क्या जानते थे, अज्यूम का मतलब आप जानते थे कि कुछ सपोज करना, कोई वैल्यू को अज्यूम करना. लेकिन आपने एक यहां से नया मीनिंग सीखा अज्यूम का, जिसका मीनिंग क्या है कि अज्यूम करना ऑफिस को भी हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं. तो कल को अगर आपकी ज्वाइनिंग अगर होती है तो आप क्या कहोगे, आई विल अज्यूम ऑफिस फ्रॉम टुमारो, या आई विल अज्यूम ऑफिस फ्रॉम द पर्टिकुलर डे. ठीक है, तो अज्यूम ऑफिस इस्तेमाल किया जाता है अगर क्लोज टेस्ट में आएगा तो आपको याद रखना है. अ हैप्पी लॉट मतलब ये लोग हैप्पी हैं, इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है. इसके बाद असॉल्ट करना मतलब किसी पर, आप किसी पर एक तरीके से हिंसा करना या किसी को सेक्सुअली मॉलेस्ट करना, उस सेंस में आता है असॉल्ट करने के लिए. अब देखो दूसरा मीनिंग यहाँ पर क्या वो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि एन अनरिलेंटिंग स्कॉर्च. अनरिलेंटिंग का मतलब क्या हो गया, अनरिलेंटिंग का मतलब हो गया समथिंग विच इज़ वेरी अनप्लीजेंट, कुछ ऐसा जो कि अनप्लीजेंट है, यानी कि जो बुरा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा. एंड दैट इज नॉट स्टॉपिंग, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है. तो नॉट स्टॉपिंग समथिंग विच इज अनप्लीजेंट एंड नॉट स्टॉपिंग. तो अनरिलेंटिंग स्कॉर्च का मतलब हो गया कि जो यहां पर आपकी बात हो रही है, आपकी जो ये न्यूज है आपकी मुजफ्फरपुर की जो न्यूज है उसी से रिलेटेड है. तो उसी में बात कर रहे हैं कि जो ये जो समस्या चल रही है वहां पर, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. ठीक है, तो यहां पर यही इसका मीनिंग है आपका अनरिलेंटिंग स्काउच. अब स्काउच का मीनिंग क्या है, देखिए स्काउच का मतलब हो जाता है आपका, देखिए स्काउच के दो मतलब होते हैं. एक मतलब होता है समथिंग और समवन दैट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रबल और समथिंग. तो यहां पर कुल मिला के स्काउच का मतलब है परेशानी. ठीक, तो कह रहा है कि एन अनरिलेंटिंग स्काउच, यानी कि एक ऐसी परेशानी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. और स्काउच का मतलब देखिए क्या होता है, दूसरा मीनिंग स्काउच का, एक मतलब विप भी होता है. अ विप दैट इज यूज्ड टू पनिश समवन. विप मतलब क्या होता है, देखिए विप आपके लोकसभा में भी जारी की जाती है, वो एक अलग विप है. विप का मतलब कोड़ा भी होता है, जो चाबुक हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते थे ना वो. चलिए यहां लिखता है वरिंग नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर जो हमें चिंता पैदा करते हैं हमारे अंदर, उसके बारे में बात करता है. ओनर ऑफ कार यूज्ड इन पुलवामा अटैक अमंग टू JEM मैन किल्ड. तो फिलहाल यहां पर कोई खास ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें ना आता हो, ये सारी इस तरीके से हमें आते हैं. इसके बाद दिल्ली गोज लुकिंग फॉर जिराफ इन थाईलैंड जूज. लुक फॉर मतलब सर्च फॉर, यानी कि लुक फॉर मतलब सर्च फॉर होता है. तो यहां से आप एक फ्रेजल वर्ब सीख सकते हो, लुक फॉर. ठीक है, इसके बाद देखिए कहता है अपटिक फॉर इंडिया ऑन सैनिटेशन इन UN हेल्थ रिपोर्ट. UN रिपोर्ट मेजर ड्रॉप सीन इन ओपन डेफिकेशन. डेफिकेशन का मतलब बाहर जो ओपन में हम डेफिकेट करते हैं, जो मल त्याग करते हैं, उसको कहते हैं. अपटिक का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने ये टिक बनाया तो ये क्या है, एक अपटिक हो रहा है ना. देखो अपटिक ही तो है, देखो ये अप जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दिस इज अपटिक. तो अपटिक फॉर इंडिया का मतलब हो गया कि समथिंग विच इज गुड फॉर इंडिया, कुछ ऐसी न्यूज जो भारत के लिए अच्छी है और भारत को खुश करने वाली है. ठीक है, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई में, UN रिपोर्ट में. ठीक है, अपटिक फॉर इंडिया हो गया. इसके बाद देखो दूसरी न्यूज कहता है कि अ पाकिस्तानी फैन वीडियो दैट टिकल्स ऑल. टिकल करने का मतलब होता है गुदगुदी करना, जो सभी को हंसा रहा है, गुदगुदी कर रहा है. ठीक है, 23 ईयर ओल्ड लाहौर मैन हु इज बेस्ड इन लंडन ट्रोल्स द फिटनेस लेवल ऑफ द टीम. तो ये आप सभी ने देखा होगा, कॉमिक रिलीफ, मतलब हमको एक हल्का सा अच्छा लगता है. ये मीम जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. ठीक, तो फिलहाल हमने इस पेपर में कुछ वर्ड सीखे जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है. तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप भी घर में इसी तरीके से पढ़िए. अब अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पर. यहां से हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड जो आता है, यहां से आपका अगला शब्द आता है कि कैनरा बैंक टू ऑफर ओनली 3 फ्री डिपॉजिट्स इन अ मंथ. तो इसमें कुछ खास नहीं है. वाटर क्राइसिस इज बीइंग एग्जेजरेटेड. एग्जेजरेट करने का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताने के लिए आता है एग्जेजरेट.
अब देखिए दूसरा हमारा जो वर्ड क्या है यहां पर, एक जो बहुत ही अच्छा वर्ड है यहां पर यूज करा है इन्होंने, नीतीश फील्स द हीट ओवर AES डेथ। AES डेथ यानी कि जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में जो डेथ्स हो रही हैं, इससे उन्हें क्या कर रहे हैं, ही फील्स द हीट। फील द हीट का देखिए जो मीनिंग है वो कई सेंस में आता है। फील द हीट का मीनिंग इस सेंस में भी आता है कि जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच था वो काफ़ी ज़्यादा एक हाई वोल्टेज मैच था, तो उसकी क्या है, हम हीट फील करते हैं, वो भी हीट हो गया। दूसरा फील द हीट का मतलब क्या होता है, फील द हीट का मतलब ये भी है कि यहाँ पर वो क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, ही इज फेसिंग द क्रिटिसिज्म, और उन पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म लग रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये मतलब हो गया। अब देखो दूसरा यहां पर क्या मतलब हो जाता है आपका, अगला जो हमारा वर्ड है एज टोल राइजेस टू 109। टोल का मतलब क्या होता है, टोल का मतलब होता है आपके जो टोल इज द नंबर ऑफ डेथ्स। देखिए हमेशा आपको ये टोल वर्ड मिलेगा न्यूज़पेपर में जब कभी भी डेथ की बात होगी, तो टोल इज द नंबर ऑफ डेथ्स। तो जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो क्या हो गया है, वो 109 पहुंच गया है, तो सीएम ने जो है, सीएम को प्रोटेस्ट जो है फेस करना पड़ रहा है हॉस्पिटल के बाहर, ठीक। और देखिए फोर्सेस डिप्लॉय, तो यानी कि जब हम फोर्सेस को क्या करते हैं, कहीं पर तैनात करते हैं, तो उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल होता है, डिप्लॉय करना, ठीक। हाँ ये देखिए क्या एक टर्म बहुत अच्छा यूज हुआ है, इस पे आते हैं, उससे पहले हम यहां पर आते हैं, सीदिंग एंगर। सीदिंग एंगर का मतलब क्या होता है, सीदिंग का मतलब होता है जो वर्ड है यहां पर वो है सीद, ठीक है। सीद जो होता है वो वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट समथिंग बट ट्राई टू नॉट टू शो अदर पीपल हाउ एंग्री आर। दूसरों को एक सीदिंग एंगर, एक गुस्सा जो है लोगों के अंदर उमड़ रहा था, और मैं अपने सेशंस में एक वर्ड बताता हूँ फ्यूम, वही मैं कहता हूँ कि फ्यूमिंग, जैसे फ्यूमिंग एंगर, फ्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे कि सुलग सुलग के जलना, फ्यूम क्या होता है, फ्यूम का मतलब माई मीनिंग होता है धुआं, तो अगर फ्यूम हो रहा है तो मतलब कहीं पर धुआं उठ रहा है। अब मैं अगर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करूं कि फ्यूमिंग एंगर, मतलब जो गुस्सा है वो धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है, एकदम अभी अपनी फुल फॉर्म में नहीं है, धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है कहीं पर, तो उसके सेंस में आता है। और यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, सीदिंग एंगर, तो सीदिंग एंगर का मतलब क्या हुआ, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं नीतीश कुमार से, और ये क्यों हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से ये समस्या चली आ रही थी और उन्होंने उसकी सुध नहीं ली, तो वो जो गुस्सा है वो धीरे धीरे उनके बीच में डेवलप हो गया है, इसलिए ये टर्म आपका इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो यहां से आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि हम कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ अपने मोटे मोटे वर्ड्स को ही देख रहे हैं, और फिर भी आपको अच्छे खासे मीनिंग मिल रहे हैं। यहां कहता है एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है गिवन और डन एज गिफ्ट और फेवर नॉट बिकॉज दैट इज लीगल टू ड्यू ड्यूटी। कुल मिला के एक्स ग्रेशिया मतलब होता है मुआवजा, यहां पर एक्स ग्रेशिया का मतलब है मुआवजा जो कि सरकार ने अनाउंस किया है, तो एक्स ग्रेशिया का मतलब हुआ जो एक गिफ्ट या फिर फेवर के रूप में देना, तो सरकार ने एक तरीके से मुआवजा जारी किया है कि जो लोगों की ऐसा ऐसा हुआ है उनको एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, ठीक। तो मीनिंग आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, मैं बहुत ज्यादा आपको लिख कर नहीं दे रहा हूं। PIL filed in SC seeking an expert team, तो एक्सपर्ट टीम को सीख करने के लिए, सीख मतलब कि किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज को मतलब जैसे सीकिंग, जैसे मैं आई वॉन्ट सिक्योरिटी, तो सीख मतलब टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज की इच्छा करना, कुछ चाहने के लिए आता है। फॉर गेट लाइफ टर्म फॉर अयोध्या अटैक मेकलिफ टेम्पल टारगेटेड इन 2005। नाउ यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि आपका जो मेकलिफ्ट है, ये टेम्पल जो है क्या हुआ था, मेकशिफ्ट टेम्पल टारगेटेड आपका इन 2005। तो मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेकशिफ्ट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो टर्म आया है मेकशिफ्ट का मतलब आता है यूज्ड टेम्परेरीली फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ पर इसके आप और लिख सकते हो, जैसे प्रोविजनल, डिग्री आपकी कैसी होती है, प्रोविजनल होती है, या इम्प्रोवाइज्ड कह सकते हो, ठीक। क्या मतलब हो रहा है इन सभी का, मेकशिफ्ट, प्रोविजनल या इम्प्रोवाइज्ड, इन सभी का मतलब होता है कि टेम्परेरीली आप किसी चीज़ को बनाते हो जब, तो उस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो जो वहाँ पर हमारा अयोध्या में जो टेम्पल है वो कैसा है, वो एक अभी भी एक पूरी तरीके से नहीं है ना, अभी क्या कहते हैं, एकदम फुल फॉर्म में नहीं है, टेंट में है रामलला, तो वही जो मेकशिफ्ट टेम्पल, कहने का मतलब जो प्रोविजनल टेम्पल है, जो टेम्परेरी टेम्पल है, जो इम्प्रोवाइज्ड टेम्पल है, वो 2005 में टारगेट किया गया था, उसमें 4 लोगों को लाइफ टर्म हुआ है, लाइफ टर्म का मतलब उन्हें सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आप यहां से क्या सीखोगे, फाइन जब किसी पर लगाते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, देखो स्लैब्ड फाइन लगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्लैब्ड। स्लैब का मतलब आपको पता है, किसी को
तमाचा मारना भी होता है, किसी को थप्पड़ मारना भी होता है, दूसरा स्लैप का मतलब आप किसी के ऊपर इम्पोज करना, किसी को फाइन लगाने के लिए भी आता है। फिर यहाँ योगी जी ने कहा है, योगी हेल्स रूलिंग, यानी कि योगी जी ने जो रूलिंग है उसका उसका सम्मान किया है, उसको वहां पर हेल किया है, तो यहां पर हेल इस तरीके से आया। ठीक, आगे बात करते हैं, वीकेंड साइक्लोन ट्रिगर्स रेन इन गुजरात। तो जो साइक्लोन है वो धीरे पड़ गया और उसने क्या हुआ, रेन जो है बारिश को ट्रिगर करा। ट्रिगर करने का मतलब होता है जैसे कि हम बंदूक में ट्रिगर दबाते हैं, तो ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी चीज को तेज कर देना, तो बारिश वहां पर उन्होंने करवाई है। वुमेन नक्सल किल्ड इन एनकाउंटर विद पुलिस, तो इसमें कुछ खास नहीं है। एजुकेशनल नॉर्म्स ड्राइवर्स मे बी ईज्ड, ईज्ड मतलब होता है उनको थोड़ा सा आसान बनाया जाएगा। गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, एस सी सिख सेंटर्स व्यू ऑन हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स प्ली। देखो एक चीज यहाँ पे, अब ग्रामर का थोड़ा सा सीखो, ऑपरेटर्स क्या है बच्चा, ये देखो प्लूरल है और एक ऐसा प्लूरल है जो कि एस से एंड हो रहा है, तो एक ऐसी नाउन जो कि एस से एंड होती है उसका जब हम अपोस्ट्रॉफे बनाते हैं, जिसका उसका पोजिशन बनाते हैं, तो सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफे लगाते हैं, हम अलग से एस नहीं लिखते। तो देखो ये ग्रामर का रूल यहाँ से सीखा आपने, एस सी सिख सेंटर्स व्यू ऑन हज प्राइवेट टूर, तो सेंटर का व्यू उन्होंने मांगा है। सर्विस प्रोवाइडर्स अपोज फिक्स्ड प्राइसिंग फॉर 10,000 सीट्स, तो इसमें कुछ खास नहीं है। लूनर ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट अराइव्स इन श्रीहरिकोटा, तो लूनर का मतलब क्या हो गया, चंद्रयान से रिलेटेड है, तो लूनर एक्लिप्स का मतलब चंद्रयान होता है। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल इस पेज में न्यूज़ देखी, न्यूज़ नहीं देखी हमने, अपने जितने भी वो थे वो देखे। कहता है एस सी डिफर्स डॉक्टर्स प्ली फॉर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर आया है कि एस सी ने क्या किया, एस सी ने जो डॉक्टर की प्ली थी, जो डॉक्टर की क्या कहते हैं, जो उनकी याचिका थी, उसको क्या किया है, उनको उसको डिफर कर दिया है। यहाँ पर भी देखो एस सेड प्लूरल एंड हो रहा था तो अपोस्ट्रॉफे सिर्फ लगाया है। सेज देयर इज नो अर्जेंसी इन मैटर एज देयर स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ, पुट ऑन द बैक बर्नर, पुट ऑफ, पुट ऑन द बैक बर्नर, और आपका किसी, आप किसी चीज को डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर दे रहे हो। तो एस सी ने क्या किया है, उनकी जो प्ली है उसको डिफर कर दिया है, मतलब डिले कर दिया है। तो डिफर का मतलब यही होता है, डिले करना या पुट ऑफ करना, या आप किसी चीज को क्या कहते हैं, पुट ऑन द बैक बर्नर कर देना। ठीक है, उन्होंने कहा चूंकि स्ट्राइक जो है वो हटा दी गई है, इसलिए अभी एकदम अर्जेंसी नहीं है इसको डिस्कस करने की। ओके, सो यहाँ से आगे बात करते हैं, अगले न्यूज़ पर आते हैं। ये एडिटोरियल है, देखिए एडिटोरियल के अगर अंदर के वर्ड्स देखने हैं तो हमें अलग से उसके लिए सेशन करना पड़ेगा। फिलहाल आपको मैं ऊपर के बता देता हूँ, एन आइडिया हुज टाइम मे नॉट हैव कम, तो इसमें कुछ खास नहीं है। प्रिवेंटिंग वायलेंस बट द डिबेट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन इज यूजफुल, इट कुड थ्रो अप रिफॉर्म्स टू क्लींस द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी ये कुछ हमें नए रिफॉर्म्स दे सकता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिट बाई बिट ऑर्गेनाइजेशन मैन, ठीक है यहाँ तक तो कुछ नहीं है। यहाँ से जो हमारा एक टर्म आता है एवर्टिंग, तो टर्म हमारा क्या है, एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है, एवर्ट के लिए जो आपके सिनोनिम्स होते हैं, एवर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फेल कर देना, टू टर्न अवे, या फिर किसी एक आप टू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग। एवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से बचने के लिए आता है। एवर्टिंग डेथ्स इन मुजफ्फरपुर, तो जो मुजफ्फरपुर में डेथ्स हैं उनको होने से बचने के लिए आप कहते हो एवर्ट करना। तो इसके लिए जो टर्ट आपके अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एवर्ट के लिए यूज किया जा सकता है थॉट, फॉइल, यहां पर मैं लिख देता हूं इधर, एवर्ट, थॉट, फॉइल, इनका मतलब होता है विफल कर देना, प्रिवेंट करना, फोरस्टॉल करना, ठीक है, हेड ऑफ कर देना, मतलब होता है किसी की चीज़ को, यहाँ पर एवर्ट था इनका मतलब हो गया किसी को विफल कर देना, किसी चीज़ को, किसी के एफर्ट को फेल कर देना, और ये जो मतलब है इनका मतलब है बचना किसी चीज़ से, तो ये आपके मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसके बाद कहता है ऑल इट कुड हैव बी टेकन टू एंश्योर दैट द चिल्ड्रेन हैड अ मील एट नाइट, तो अगर उनको मतलब इतनी कहने का मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी उनके पास नॉलेज होती, थोड़ी बहुत भी एक मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती, तो वो शायद उनको अगर अच्छे से खाना खिलाते तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर कुल मिला के ये बातें कह रहे हैं, अ डिसीज पाथवे और नो सस्टेन्ड हेल्थ एजुकेशन, तो वही कह रहे हैं कि हमें एक प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलती, अदरवाइज ऐसी चीज़ें नहीं हों। आगे कहता है डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स डिजर्व बेटर, यानी कि दोनों ही लोग बेटर डिजर्व करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर इज अ सिम्टम एंड नॉट द डिसीज, ये सिर्फ सिम्टम है। स्ट्रक्चरल एंड द पॉलिसी चेंजेस इन इंडियाज हॉस्पिटल एंड नॉट इंक्रीज सिक्योरिटी मे हेल्प इन कंट्रोलिंग
8, यानी कि हमें प्रॉपर चेंजेस करने पड़ेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ कहता है अ ग्रोइंग चैज्म, तो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, चैज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैज्म, देखिए चैज्म का मतलब होता है आपका, जैसे कि एक चैज्म का देखिए जो अगर आप मीनिंग देखोगे तो चैज्म का एक मतलब होता है कि डीप होल और ओपनिंग इन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो चैज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, चैज्म आपका या फिर एबिस्म या फिर एबिस, ठीक है आपका, या फिर गल्फ, इन सभी का मतलब होता है खाई, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, अ ग्रोइंग चैज्म, तो कुल मिला के वो कह रहा है कि जो ये समस्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो चैज्म का मतलब वैसे तो होता है खाई, लेकिन जो यहां कह रहा है डेंजरस आर्गुमेंट दैट इज पुट फोर्थ इज द आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ मतलब आफ्टर रिजल्ट ऑफ सच अटैक्स इन द पीपल एक्सपेक्टेशंस हैव इंक्रीज्ड। तो ये जो है ये समस्या है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ये जो जो होल है ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, फिर यहां तक ये कह रहे हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे वर्ड में, कहता है यूएस डिप्लॉयज मोर ट्रूप्स टू वेस्ट एशिया। यूएस क्या कर रहा है, वेस्ट एशिया में और ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि वो और ज्यादा ट्रूप्स और ज्यादा सेना को वो वहां पर लगा रहा है। पेंटागन रीट्रेट्स, रीट्रेट्स का मतलब होता है दोबारा से किसी बात को कहने के लिए आता है, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन। तो रीट्रेट का मतलब क्या हो जाता है, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन, टू से समथिंग अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार कहना। कहता है क्लेम्स दैट ईरान वॉज अ ईरान वॉज बिहाइंड द टैंकर अटैक एंड रशिया एंड चाइना कॉल फॉर रिस्ट्रेंट। तो यहां पर इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, कॉल फॉर। अब आपको यहां से थोड़ा सा आपको मैं और आगे ले चलूंगा, आपको सीखना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल फॉर। तो जानते हैं कॉल फॉर का मीनिंग क्या है, तो कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है, कॉल फॉर रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। तो रशिया एंड चाइना ने कहा है कि इसको जो है ना कॉल फॉर करना चाहिए। तो यहां से कुछ फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं कॉल फॉर से रिलेटेड। तो देखिए कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल फॉर समथिंग, कॉल फॉर समबडी, देखो एस बी का मतलब होगा समबडी मेरे हिसाब मेरे सेशन में, और कॉल फॉर समथिंग एस बी का मतलब होता है टू कलेक्ट समबडी इन ऑर्डर टू गो समवेयर, टू कलेक्ट समबडी इन ऑर्डर टू गो समवेयर, यानी कि किसी के साथ हम जा रहे हैं तो आई विल कॉल फॉर यू एट 7 o'clock, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू गो समवेयर, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं आई विल कॉल फॉर यू एट 7 o'clock, यानी कि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको सुबह 7 बजे कॉल करूंगा। कॉल फॉर समथिंग का मतलब होता है टू नीड समथिंग, किसी चीज की जरूरत होना। तो कह रहे हैं कि यहां पर वो कह रहे हैं कि जो रशिया और चाइना है उन्होंने कहा है दैट इज द उन्होंने इसकी कहा है कि इट इज नीड ऑफ द आर कि आप इन सभी चीजों को रोकें, ठीक है। फेस टू फेस मतलब आमने सामने होना, ठीक है। कहता है वोंट वेज वॉर, यानी कि वॉर को हम शुरू नहीं करेंगे, वोंट वेज वॉर, तो वोंट वेज वॉर का मतलब हो गया कि हम शुरू नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंटिन्यू अ वॉर, ठीक है। ये इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ बच्चा, ये सबसे ज्यादा तुम्हारे काम आएंगे क्लोज टेस्ट में, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्या बता रहे हैं, तो ये सब क्लोज टेस्ट में तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। वॉन्ट वेज वॉर मतलब हम वॉर को शुरू नहीं करेंगे, उनका ऐसा कहना है। अब देखो यार कॉल से रिलेटेड कुछ हम idioms देख लेते हैं, हमारे हमने मैंने कुछ idioms यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सारे idioms जितने भी कॉल से रिलेटेड हैं लेट्स लुक एट देम, ठीक है। तो पहला जो आपका idiom है कॉल से रिलेटेड वो आता है आपका ब्रिंग और कॉल somebody समथिंग टू माइंड। ब्रिंग और कॉल समथिंग और somebody टू माइंड का मतलब होता है टू रिकॉल समथिंग, किसी चीज को रिकॉल करना, ठीक है। टू रिकॉल समथिंग किसी चीज को याद करने की कोशिश करने के लिए आता है, टू रिकॉल समथिंग, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला जो हमारा टर्म है वो कहता है कॉल somebody ब्लफ। तो कॉल somebody जो ब्लफ है उसका मतलब क्या होता है आपका, कॉल somebody ब्लफ का मतलब होता है किसी को ललकारना, एक तरीके से किसी को आप ललकार रहे हो, आप कह रहे हो कि किसी को टू टेल somebody दैट यू आर थ्रेटनिंग, कहते ना कि जैसे आई विल कॉल यू ब्लफ, तो कॉल somebody ब्लफ का मतलब एक तरीके से आप ऐसे लिख लो ललकारना। और जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं फॉर देम, उनके लिए मैं बता देता हूँ, टू टेल somebody टू डू what दे आर threatening टू डू बिकॉज यू बिलीव दे विल नॉट बी एबल टू डू समथिंग, ठीक है। तो मतलब ललकार रहे हो, यू आर आप किसी को कह रहे हो कि देखो ये करके दिखाओ, तो इसको कहते हैं कॉल somebody ब्लफ, ठीक। कॉल समथिंग इन टू प्ले, कॉल समथिंग इन टू प्ले का मतलब क्या होता है, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, आप किसी चीज को प्ले में ला रहे हो, किसी चीज को गेम में शामिल कर रहे हो, टू मेक यूज ऑफ समथिंग, इट्स नॉट अबाउट गेम, इट्स अबाउट एनीथिंग, ठीक। अगला सवाल है कॉल समथिंग इन टू क्वेश्चन, कॉल समथिंग इन टू क्वेश्चन का मतलब होता है टू डाउट समथिंग, किसी चीज पर संदेह करना, टू डाउट समथिंग, किसी चीज पर संदेह करने के लिए आता है। अगला टर्म है कॉल इट अ डे,
कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग. जैसे यूवी कॉल्स इट अ डे, मतलब यूवी ने क्या किया है, संन्यास ले लिया है. ही डिसाइडेड दैट आगे वो अब खेलेंगे नहीं. टू डिसाइड और एग्री टू स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, उसके लिए आता है कॉल इट अ डे. इसके लिए और आप idioms यूज कर सकते हो, जैसे हैंग द बूट्स. ठीक है, हैंग द बूट्स का मतलब भी यही होता है. अगला टर्म है कॉल इट क्विट्स, इसका मतलब भी यही होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग. आपने कुछ डिसाइड कर लिया, ये रिटायरमेंट ले लिया, तो कॉल इट अ डे, कॉल इट क्विट्स या फिर हैंग द बूट्स, इन सभी का मतलब यही आ जाता है. अगला आता है कॉल समबडी नेम्स. कॉल समबडी नेम्स का मतलब होता है टू यूज इंसल्टिंग वर्ड्स, किसी को गाली गलौज करना, किसी को इंसल्ट करना, टू यूज इंसल्टिंग वर्ड्स अबाउट समवन. ठीक, अगला वर्ड आता है कॉल द शॉट्स या फिर कॉल द ट्यून. कॉल द शॉट्स का मतलब होता है, कॉल द ट्यून का मतलब होता है कि आपका किसी सिचुएशन में दबदबा होना, टू कंट्रोल अ सिचुएशन कंप्लीटली. ठीक है, कॉल द शॉट्स या कॉल द ट्यून का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, हाँ, टू कंट्रोल अ सिचुएशन कंप्लीटली. ठीक है, एक सिचुएशन पर आपका पूरी तरीके से दबदबा होना. अगला है कॉल अ स्पेड, मतलब हो गया कि टू नॉट मीन्स वर्ड, मतलब क्लियर बात करना, आप किसी भी घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हो, आप साफ साफ बोल रहे हो, टू से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, बहुत ही फ्रैंकली बोलना. ठीक है, टू से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से. अगला आता है कॉल समबडी टू अकाउंट. कॉल somebody टू अकाउंट का मतलब होता है टू मेक somebody एक्सप्लेन अ मिस्टेक और बिकॉज दे आर responsible फॉर इट. तो अगर कोई किसी मिस्टेक के लिए responsible है तो उसको जवाब तलब करने के लिए बुलाना. तो कॉल somebody टू अकाउंट का मतलब हो गया टू मेक somebody एक्सप्लेन अ मिस्टेक, टू मेक somebody एक्सप्लेन अ मिस्टेक. ठीक है, कॉल somebody और समथिंग टू ऑर्डर, मतलब हो जाता है कि टू आस्क पीपल इन अ मीटिंग टू बी क्वाइट सो दैट द मीटिंग कैन स्टार्ट और कंटिन्यू. तो कॉल somebody और समथिंग टू ऑर्डर, कॉल टू ऑर्डर का मतलब हो गया कि लोगों से कहना कि आप शांत रहिए जिससे कि हम अपनी मीटिंग को शुरू कर सकें. तो मतलब हो गया टू आस्क पीपल इन अ मीटिंग टू बी क्वाइट सो दैट He can start so that the meeting can start. It's called this. ठीक, he who plays the piper calls the tune. देखो ये बच्चा क्या होता है, आपने एक वो ad देखा है सलमान खान का, एक ad आता था उसमें वो piper बजाता था. ठीक है, वो piper जो होता है वो इस तरीके का आपने देखा होगा, अगर Google करना तो piper आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके का flute की तरह होता है वो. तो उसमें क्या होता है, ट्यून बजाते हैं. अब जिसके पास वो पाइपर है वही ट्यून को दिशा और दशा देता है. तो मतलब हो गया कि ही हु प्लेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, मतलब हो गया द पर्सन हु प्रोवाइड्स द मनी फॉर समथिंग कैन आल्सो कंट्रोल हाउ इट स्पेंट. यानी कि जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इस तरीके से हम कह सकते हैं. ठीक है, तो ही हु प्लेज द पाइपर मतलब हो गया द पर्सन हु हैव मनी कंट्रोल्स द सिचुएशन. हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, आप कह सकते हो इसको कि जिसकी लाठी उसी की भैंस. दूसरा है बी और गेट कॉल्ड ऑन द कारपेट. बी और गेट कॉल्ड ऑन द कारपेट का मतलब हो जाता है आपका कि आप इसका मतलब हो जाता है कॉल्ड टू सी somebody इन अथॉरिटी बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. तो किसी गलती के लिए आपको जवाब तलब करने के लिए बुलाना, तो इसका मतलब, और कॉल somebody टू अकाउंट, ये दोनों आपके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि कॉल somebody टू अकाउंट और टू बी गेट कॉल्ड ऑन द कारपेट, मतलब हो गया किसी से जवाब तलब करने के लिए बुलाना. तो कॉल somebody बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, हैज डन समथिंग रॉन्ग. तो उससे कहो कि उससे आप ये कह रहे हो कि आप अपनी मिस्टेक को एक्सप्लेन करो. अगला शब्द है पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक. तो इसका मतलब हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. ठीक है, तो यूज टू से दैट यू शुड नॉट क्रिटिसाइज somebody फॉर अ फॉल्ट दैट यू हैव डन yourself. यानी कि जो गलती तुमने खुद करी है उसके लिए आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो पॉट कॉलिंग केटल ब्लैक. ठीक है, टू क्रिटिसाइज समवन फॉर अ मिस्टेक, criticize someone for a mistake that you also do. So, तुम भी आप गलत करते हो.
ठीक है। तो ये जितने भी idioms थे ये किससे related थे, एक ही word था आपका, इनका जो root word था वो था call, ये सारे आपके call से related थे। तो ये हमने कहाँ से pick किया था, हमने pick किया था इस वाले term से आपके, ये हमारा जो ये लिखा था here was it, where was it, it was here, ठीक है। तो फिलहाल हमने इससे आपके देखे थे, तो let's आप लोग एक बार इसका screenshot ले लो, ये सारे शब्द सारे idioms आपके एक साथ रहेंगे, ठीक है। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। सो जस्ट लर्न ऑल दिस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो idiom है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कहता है कि लैम शेल्फ्स एक्सट्रेडिशन लॉ फॉर नाउ, इस पे और दूसरे पे आते हैं, US विल डिपोर्ट मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। तो यहां पर आपका US क्या करेगा, डिपोर्ट करेगा, डिपोर्ट करने का मतलब होता है वापस भेजेगा, ठीक है, उन्हें वापस भेज देगा, जैसे आपके कुछ पोर्ट पे है और आप उन्हें डिपोर्ट कर रहे हो, मतलब उन्हें वो वापस भेजेगा, इलीगल माइग्रेंट जितने भी आए हैं। यहां पर जो टर्म आया है वो है आपका इमिग्रेशन, तो यहां से आप दो वर्ड जान लो, एक होता है इमिग्रेशन, ठीक है, और एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेंट, ठीक है। दो वर्ड हैं आपके, एक होता है इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट, ठीक। तो एमिग्रेंट क्या होता है आपका, एक होता है इमिग्रेंट, एक होता है एमिग्रेंट। तो इमिग्रेशन को आप ऐसे याद रखो, दिस इज इंपोर्ट, और एमिग्रेंट दिस इज एक्सपोर्ट, मतलब हो गया ये तुम्हारे देश में किसी का आना, जैसे यूएस में लोग आए हैं तो वो क्या हो गया इमिग्रेशन, और हमारे देश से किसी का जाना वो क्या है एमिग्रेंट, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, इमिग्रेशन इज आपका इंपोर्ट और एमिग्रेशन इज एक्सपोर्ट, क्लियर। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में याद किए जा सकते हैं। चाइना डिक्लाइंस टू कन्फर्म इफ इट होस्टेड तालिबान्स बरादर, ठीक है। सऊदी पेपर रिपोर्टेड दैट द लीडर वॉज इन बीजिंग फॉर टॉक्स, तो उन्होंने इसके लिए बारे में मना कर दिया है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो की स्टेक होल्डर है, मतलब जो उनका उसमें हिस्सा है। पाक आर्मी चीफ गेट्स मोर से इन इकोनॉमिक मैटर्स, तो ये भी हटाइए, इसमें कुछ खास नहीं है। लैम्प शेल्फ्स एक्सट्रेडिशन बिल फॉर नाउ, देखो शेल्फ्स का मतलब क्या होता है, जो टर्म आता है वो होता है आपका शेल्फ, आपने शेल्फ सुना है, शेल्फ क्या होता है नाउन, तो शेल्फ का मतलब क्या होता है, आपके जो घर में कबर्ड रखी उसको शेल्फ बोलते हैं। अगर आप उस पर कुछ रख दे रहे हो तो आप मतलब उसको क्या कर रहे हो कि बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसको रख दो। तो सेम चीज यहां पर है कि लैम शेल्फ्स एक्सट्रेडिशन लॉ फॉर नाउ, यानी कि जो हांगकांग के लीडर हैं, जो एक्सट्रेडिशन लॉ है उन्होंने उसको साइड कर दिया है, क्योंकि वहां पे बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो शेल्फ्स मतलब उसको शेल्फ में रख दिया, यानी कि अभी उसको बाद में डिस्कस करेंगे वो, ठीक। यूएन कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब इन मॉरिस डेथ, तो आपका यहां पर आता है मोरसीज डेथ, प्रोब मतलब होता है जांच के लिए आता है, ठीक है। कॉल फॉर मतलब अगेन मैंने बताया, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है कि टू नीड, और किसी चीज की जरूरत के लिए मांगना, टू कलेक्ट, टू नीड समथिंग, ठीक है। फिर लिब्रा इज फेसबुक क्रिप्टो करेंसी है, और उसके बाद शाहनान ड्रॉप्स आउट पेंटागन हेड फेस, ठीक है। सो फिलहाल हम इसको यहीं तक रखेंगे, और यहाँ इस सेशन में हमने काफ़ी वर्ड्स देखे जो आपने सीखे होंगे इस सेशन में, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप इससे न्यू नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिए, अदरवाइज अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा अमन त्रिवेदी, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अमन त्रिवेदी तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, अदरवाइज लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट थिंग था, मुझे आप लोगों के सजेशंस चाहिए, तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, क्या आप ये सेशन रोज चाहते हैं, अगर आप इस सेशन को डेली चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ इसको रोज, आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। सो और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ठीक है इस तरीके से हम बीच बीच में कभी कर लें तो वी विल डू इट इन अ मिड कभी कभी, ठीक है। और लेकिन मेरी जो आपको कुल मिला के इस सेशन को करने की जो मेन मेरा मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था, वो बस इतना था कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे हैं तो ये सबसे गलत कर रहे हैं, पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको इस तरीके से रोज़ आपको सिखाता रहूँगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप यहाँ तक अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये सेशंस आगे चाहिए या नहीं चाहिए, और टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको अगर आप अनअकैडमी प्लस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पर, आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है अमन त्रिवेदी, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी गुड डे हेड फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड डे, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।